फ्रेंड्स 27 साल से ये फिल्में बना रहे हैं 42 फिल्म्स इन्होंने ऑलरेडी बना ली है जिनमें से कई हिट्स सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर्स रही है लेकिन आज भी इनका पैशन वही फ्रेंड्स प्लीज वेलकम डेविड धवन डेविड वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस व्हाट इज द सीक्रेट आप अभी भी उतने ही पैशनेट उतने ही एक्साइटेड कैसे रहते हैं देखो अगर आप एक्साइटेड नहीं है पैशन नहीं है आपको तो आई थिंक यू शुड रिटायर बट 42 फिल्में बनाने के बाद द सेम यू नो 42 फिल्म से पहले 60 फिल्म एडिट भी किए मैंने तो मतलब सेंचुरी तो मारी डाली आ, आ, तो बट आ, ये पिक्चर में मुझे इंसेंटिव मुझे जो मिला था मेरा बेटा था सो दैट्स व्हाई यू नो या सो आई एंजॉयड वरुण वाज देयर नया था एंड बहुत मजा आया उसको डायरेक्ट करने में ऑब्वियसली अ फादर के लिए जिसने सब एक्टर्स के साथ काम किया है और अपने बेटे के साथ कर रहा है तो एक अलग मजा मिला मुझे तो हीरो कौन किसका है वरुण के हीरो आप हैं या आपका हीरो वरुण है बिकॉज जनरली स्पीकिंग बेटे आ, फादर को अपना हीरो मानते हैं है। मैं उसका हीरो हूँ <laughs> 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 बोलने में थोड़ा में बट <laughs> <laughs> तो आपने वरुण को कास्ट करने का कैसे सोचा वो क्या हुआ कि एकता ने मुझे ये फिल्म दिखाई साउथ तो फिल्म है ना सो एट मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे बेटे ने भी रोहित ने और उस समय उसकी पिक्चर लगने वाली थी

आई थिंक आई हैड अ ग्रेट है ऊपर से क्या है वरुण रोहित मेरे साथ इसमें काफी कंधे से कंधा लगा रहा बेटा मेरा है वो सो स्क्रिप्ट पे लगा रहा

एक्चुअली yeah. ये डेविड धवन वरुण धवन फिल्म होने वाली थी बट डेविड धवन वरुण धवन एंड yeah. रोहित धवन हो गई yeah, yeah. ये फिल्म yeah, yeah, ये ये yeah. कुदरती हो गया कुदरती है हाउ डिफरेंट वाज इट डायरेक्टिंग वरुण फ्रॉम डायरेक्टिंग अदर हीरोज वरुण मेरा बेटा है डेफिनेटली ऑफ फिल्म में कहीं घर पे है इधर है बेटा मैं जब फिल्म शूट कर रहा होता हूँ ना तो मुझे बेटा नज़र नहीं आता मुझे मेरा एक्टर नज़र आता है और आई ट्राई टू पुश हिम अगेंस्ट द बॉल एंड समटाइम मुझे बोलता भी है पापा मैम ए न्यू कम आई जस्ट दिस इज माय सेकंड फिल्म यू ट्रीट मी लाइक यूर ऐसे एज इफ गोविंदा है सामने या सलमान है ऐसे बेटा तू एक्टर आई हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू मैं अगर वो सोचूंगा तो नहीं कर सकता

स्क्रीन प्ले हैज चेंज सबसे पहले फिर कहानी आप कोई भी ले लो चलो पुरानी कहानी लो उसको न्यू में टर्न कर देंगे हम लोग बस सीन्स हैव चेंज पहले मतलब बहुत समझाना पड़ता था अब समझाने का नहीं है पॉइंट पे आ जाओ सीधे ऑडियंस समझ जाएगी दर सो मेनी पेस इज देर एंड यूथ लेवल इज डिफरेंट टूडे दैट इज आई एम ऑल्सो लर्निंग टूडे विद माई टेल मी ऑल्सो गानों कैसे करने चाहिए एवरी थिंग यू नो दैट टूडे दैट चेंज इज देर बट अल्टीमेटली फील सिनेमा की वही है अच्छा वो नहीं बदली है वो कैसे बदलेगी माँ अगर तो रोएगी या बेटा परेशान होगा दर्द तो वही होना है इमोशन वही है सही बात है इमोशन कैसे चेंज होगा तो मैं वही बोल रहा हूँ पहले ड्रामा में होता था राजकुमार जी टर्न करके डायलॉग बोलते थे बोलते थे, अभी कुछ नहीं कैजुअल बात करते हैं सीधे सच बात करते हैं छुपाने नहीं होता जो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में फिल्मी बना कहते हैं वो, फिल्मों से गायब हो चुका है आउट अच्छा बिल्कुल आज आपको सीन सीधे जा रहा है इसको उल्टा बोलो समझाओ यू नो पीपल लाइक इट यू नो तो मुझे भी अच्छा लगने to to See, मैं इतनी फिल्में बना चुका हूँ देखता भी तो हूँ ना फिल्म क्या है, बना रहे you know, आप को नहीं बदलोगे तो ये ऑडियंस तो बदल देगी आपको <laughs> सही बात है तो इज इट दैट बिकॉज यू यंग सन्स आज के नौजवान हैं और फिल्म लाइन में हैं उससे आपको बेनिफिट मिला बहुत बेनिफिट मुझे इतना बेनिफिट मिला है दोनों से यू hmm. नो you know, और छोटा तो खींचता रहता है मुझे पापा ऑन पापा वो लगा रहता है hmm. you know, even रोहत, रोहत तो ये well yeah, वो I explain him also, उसको बोलता कमर्शियल सिनेमा जो है ना वो है hmm. उसका मिलावट होनी चाहिए नहीं तो यू नो इन परसेंट प्योर या बोरिंग नहीं होना चाहिए यू hmm. नो you know? hmm, 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 hmm. आज तो मेरा सिनेमा वो था जब हीरो वॉक करके भी आता तो सीधे वॉक नहीं कर उसमें कुछ कर वॉक में भी कुछ मुझे जमा मतलब कुछ एंटरटेनमेंट <laughs> दे करेक्ट यू नो आई शॉर्ट टू शॉर्ट की होती है ना hmm. जो मेन वॉचिंग ये क्या कर रहा है ये कर रहा है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता वो लेवल जो है ना hmm. वो एंटरटेनमेंट लेवल का मजा अलग है वो ऑडियंस एंजॉय इज एंटरटेनमेंट बट ऑब्वियसली हाउ यू डू इट नाउ द दरेशन एवरीथिंग उसका मजा आप ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं वो दे आर लाइकिंग इट तो फिर वही सिनेमा है सिनेमा वही है जो पब्लिक को पसंद आए

जो मेरी डिमांड हाँ मेरी डिमांड वो है अच्छा हाँ वो डिमांड थी मेरी शी इज अ गर्ल जो अब्रॉड है तो वहाँ पे जाता तो वो इंग्लिश जहाँ जहाँ हमने यूज की उसकी और उसने डबिंग की है पूरी पिक्चर की तो वो बहुत अच्छा आई है वो सूट करती है पिक्चर को आई फील वो बेस्ट कास्टिंग हुई है नरगिस की ट्रेलर्स देख के ऐसे लगता है कि कहीं आपने वरुण धवन को आपके बेटे को गोविंदा के मोल्ड में डालने की कोशिश की है नहीं अभी लोग बोलते सलमान के मोल्ड में बॉडी बॉडी लैंग्वेज सलमान की है बहुत गोविंदा की भी है बट देखो ना क्या मैं डेलिबरेटली नहीं डाला है बट मैंने गोविंदा के साथ इतना काम किया वो मेरे अंदर बसा हुआ यू सन आई एज ए डायरेक्टर आई लाइक दैट तो वो ऑटोमेटिकली आया जाया सोचना नहीं पड़ता मेरी वो मेरी डायरेक्शन ही वो है यू नो जैसे उसकी एक्टिंग ऐसी मेरी डायरेक्शन भी वही है

सकता है बहुत mm -hmm, mm -hmm. मैंने अवॉइड किया क्लाइमैक्स में भी एक्शन नहीं है मेरे बिल्कुल निकाल दिया मैंने कहा नहीं एक्शन तो नहीं आएगा कारण चार मारे हूं। मेरे लड़की ले जाएगा बेकार इट इज यूजलेस सीन लाओ ना अगर है, तो क्लाइमेक्स mm -hmm. में ऐसा सीन लाओ नो पार्टनर you know? yeah, yeah. like में मैंने किया था mm -hmm. कोई एक्शन नहीं था बस mm सीन्स -hmm. के थ्रू पिक्चर गई थी यू नो व्हाट आई मीन इट्स मच मोर स्ट्रांगर टुडे टू गेट दैट तो मैंने वो एक तो सबसे पहले मैं एक्शन को रिड्यूस रहा था फर्स्ट हाफ में है एक्शन थोड़ा सा है जो है कॉलेज का एक एक्शन एक ट्रेन का है तो यू नो सेकंड हाफ तो है ही नहीं सेकंड हाफ़ में तो एक इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है और एक छोटा सा एक्शन आता है हार्डली एक मिनट का भी नहीं है वो एंट्री में उसके बाद एक्शन नहीं है फील फील ऑबस रहा है थोड़ा टेंशन ड्रामा है mm -hmm. बट नहीं इट्स इट्स अ कॉमेडी इट्स वेरी सोशल आल्सो एट द सेम टाइम वेरी यूथफुल आल्सो एंड एट द सेम टाइम माय सिनेमा इज़ आल्सो दैट